वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एरोसॉल में जो टॉपिक रिमेनिंग बचा हुआ था, कंटेनर। कंटेनर होता क्या है, कंटेनर के लिए कंटेनर किस चीज़ों से मिलके बना होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेनर जान लेते हैं, कंटेनर कहते किसे, कंटेनर होना कैसे चाहिए। तो मैंने सब कुछ लिख दिया, आपको केवल पढ़ना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। तो कंटेनर एक ऐसा होना चाहिए जो कि एक प्रेशर को झेल सके। किसके प्रेशर को झेल सके, जैसे हम आपको पता है एरोसॉल जब फॉर्मुलेट करते हैं तो हम एडिटिव के साथ साथ हमारा जो मेन ड्रग होता है उसको डालते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट कंसनट्रेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम प्रोपेलेंट को ऐड करते हैं। प्रोपेलेंट का मतलब ही होता है कि वो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ जब हम एक्चुएटर को प्रेस करें तो वाल्व के थ्रू हमारा ड्रग बाहर की तरफ निकले, तो एक प्रेशर के साथ, इसके लिए प्रोपेलेंट हम यूज़ करते हैं। तो कंटेनर भी होना चाहिए इस प्रकार का कि वो प्रेशर को झेल सके, मतलब अंदर जो प्रेशर बना हुआ है प्रोपेलेंट के द्वारा वो उसको झेल सके, ठीक है ना, या उसको कैरी कर सके। तो मैंने लिख दिया है दे मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड प्रेशर एज हाई एज 140 to 180 साई एट 130 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंटेनर कितना प्रेशर तक, मतलब उसके अंदर विदस्टैंड करने की कैपेसिटी होती है, तो वो मैंने लिख दिया। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन में भी, फार्मेसी से रिलेटेड कि कंटेनर कितना प्रेशर विदस्टैंड कर सकता है, तो मैंने लिख दिया 140 to 180 साई। ठीक है, तो जो कंटेनर होता है ये मोस्टली दो टाइप से मिलके बने हो सकते हैं, तो फिर ये मेटल का हो सकता है, नहीं तो गिलास का। मेटल में भी तीन कैटेगरी है, कौन कौन सी, या तो टिन प्लेटेड स्टील का से मिलके बना होगा, नहीं तो स्टेनलेस स्टील, नहीं तो फिर एल्युमिनियम। गिलास के अंतर्गत दो चीज़ों में कैटेगराइज है ये, या तो प्लास्टिक कोटेड, नहीं तो अनकोटेड गिलास। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टिन प्लेटेड स्टील किसे कहते हैं या कंटेनर। तो टिन प्लेटेड, जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, मतलब स्टील की एक सीट होगी स्टील की, जिसके ऊपर टिन का क्या होगा, कोटिंग होगा, वही क्या कहलाएगा, टिन प्लेटेड स्टील कहलाएगा। तो ये सिंपली मैंने लिख भी दिया है कि इस कंसिस्ट ऑफ ए सीट ऑफ ए स्टील प्लेट, मतलब एक स्टील प्लेट की सीट होगी और उसी स्टील प्लेट की सीट के ऊपर टिन से कोटिंग की जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, टिन प्लेटेड स्टील बन जाएगा। ठीक है ना, अब इससे जो कंटेनर बनेगा वो क्या कहलाएगा, टिन प्लेटेड स्टील कंटेनर कहलाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम कंटेनर कौन सा होता है, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने लिखे हैं केवल। तो एल्युमिनियम कंटेनर मोस्टली ये ऐसे कंटेनर होते हैं जिनका यूज़ होता है एरोसॉल के फॉर्मुलेशन में, किस टाइप के, जैसे अगर आप कोई टॉपिकल एरोसॉल बना रहे हो या इनहेलेशन पर्पस से एरोसॉल बना रहे हो, तो ऐसे एरोसॉल के कंटेनर के लिए हम एल्युमिनियम कंटेनर यूज़ करेंगे। इसके और फ़ायदे क्या हैं कि ये लाइट इन वेट होता है, आप सभी को पता है एल्युमिनियम बहुत ही हल्का होता है, तो लाइट इन वेट होता है, लेस फ्रेगाइल होता है, मतलब जल्दी टूटने वाला नहीं होता है। जैसे गिलास होता है, आपके हाथ से छूटा, नीचे गिरा, टूट गया, तो फ्रेगाइल नेचर हो गया, लेकिन जो एल्युमिनियम होता है ये लेस फ्रेगाइल नेचर का होता है। इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है कि इसका कोरोजन के प्रति रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसमें कोरोजन की जो चांसेस हैं वो ना के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आप प्योर वाटर या प्योर इथेनॉल अगर ले लो तो सारे के साथ कोरोजन अकर करेगा, लेकिन एल्युमिनियम क्या करता है, अधिकतर रेजिस्टेंस शो करता है कोरोजन के खिलाफ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का भी यूज़ हम करते हैं किसके लिए, इनहेलेशन एरोसॉल को बनाने के लिए। ये एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम कंटेनर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप जानते हैं जिस भी ड्रग का प्राइस ज़्यादा होगा, मतलब जिस भी ड्रग की जब पैकिंग में ही प्राइस उसका ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब उसका अमाउंट भी, उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो उतना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम ऐसा सोचते हैं कि कम से कम प्राइस का, मतलब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जिससे आसानी से सब लोग इनटेक कर सकें। नेक्स्ट कौन सा कंटेनर, गिलास कंटेनर। गिलास कंटेनर मैं लिख दिया हूँ कि गिलास कंटेनर क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये इनकम्पेटिबिलिटी बहुत ही कम शो करता है। ठीक है ना, मतलब प्रोडक्ट के साथ इनकम्पेटिबिलिटी कम शो करता है, क्योंकि केमिकली इनर्ट होता है।
ठीक है ना। दूसरा इसका यूज़ करने का पीछे रीज़न ये है कि ये मोस्टली टॉपिकल एरोसॉल अगर बनाना हुआ तो आप कंटेनर उसका गिलास को प्रिफर करेंगे, नहीं तो MDI के लिए, ठीक है। इसमें एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप इसमें हाई प्रेशर सोचो अप्लाई करने के लिए तो वो नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसमें लोअर प्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी कितना 33 psi तक, ठीक है ना। और लोअर परसेंटेज ऑफ प्रोपेलेंट भी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोपेलेंट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर अगर होगा तो आप गिलास कंटेनर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। अब इसमें भी क्लासीफाई है, जैसे अनकोटेड गिलास कंटेनर और प्लास्टिक कोटेड गिलास कंटेनर। तो वही सिंपली ये गिलास के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग कर देंगे तो प्लास्टिक कोटेड गिलास कंटेनर रहेगा। अनकोटेड गिलास कंटेनर मतलब वो एकदम सिंपली क्लियर रहेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया मोल क्लैरिटी लेस कॉस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब आप अनकोटेड गिलास कंटेनर का एग्जांपल आप लोग देखते होंगे, परफ्यूम आप लोग खरीदते होंगे तो उसमें देखते होंगे शीशे के गिलास में होता है कि नहीं, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, आपको बाहर से दिखा करता है कि कितना अमाउंट अभी इसमें रिमेनिंग है कि नहीं है। तो वो किस टाइप का होता है? अनकोटेड गिलास कंटेनर होता है। प्लास्टिक कोटेड गिलास कंटेनर क्या होता है कि आप बाहर से देख नहीं सकते कि अंदर प्रोडक्ट कितना बचा है, लेकिन अनकोटेड गिलास कंटेनर में आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक कोटेड गिलास कंटेनर, इसमें प्लास्टिक का कोटिंग किया जाती है गिलास के ऊपर, इसलिए क्योंकि ब्रेकेज से होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है, जो ये टॉपिक छूटा था कंटेनर। अगर एग्जाम में आता है, जैसे एग्जाम में इसे कंटेनर स्पेसिफिक पूछेगा, नहीं पूछेगा तो पूरा एरोसॉल फॉर्मुलेशन तो आप थोड़ा थोड़ा करके लिख दोगे। मैंने इसलिए थोड़ा बहुत एग्जाम्पल बता दिया कि आपके माइंड में थोड़ा रहे, ठीक है। एक बार मैं पूरा फिर से सब पैक कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।